मैं अभी अभी फरीदाबाद से सीधा मातृका हॉस्पिटल पहुंची हूं और मैंने अभी मात्र 3 बच्चों को देखा है। एक बच्चा तो सेकंड स्टैंडर्ड का, थर्ड का, नाइन्थ का बच्चा है और बच्चों को चोट भी आई हुई है। सबके बच्चे बच्चों के कपड़े ब्लड से भरे हुए हैं। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंगली मैनेजेबल हैं, किसी की चोट ज़्यादा है, किसी की कम है। एक बिटिया बता रहे हैं जो आईसीयू में है और उसको शायद ब्रेन हैमरेज बता रहे हैं, या मैं कहूँ तो स्कल का चोट होगी। मैं अभी उन्हीं को भी देखने जा रही हूँ, मिलने जा रही हूँ। हादसा बहुत दुखद है, बहुत पेनफुल है। मेरे ख्याल से 6 या 7 कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं आपके यहाँ स्कूल में? जी, कोई 6 बता रहा है, कोई 7 बता रहा है, तो मैं अभी स्कूल वालों को कौन है स्कूल से, कौन है यहाँ? लेकिन ये लापरवाही तो बड़ी रही, जैसे इस तरह से बता रहे हैं कि सर आप भी क्या गाड़ी चला रहे हैं, और बार बार शिकायतें भी लगातार आती रहती है कि जो अनुभवी ड्राइवर्स है वो नहीं लगाए जाते, एक्सीडेंट जो खामियां होती है बहुत सारी। जी, लापरवाही तो सबसे बड़ी ये है कि आज गजेटेड हॉलीडे है और स्कूल चल क्यों रहा है। फिर लापरवाही ये है कि सुबह बच्चों को जो बंदा लेने जा रहा है, मैं नहीं कहती कि आज नवरात्रे भी हैं, और उसके बावजूद जो बच्चे को सुबह बसेस लेने जाती हैं वो अपने पॉइंट से लगभग 5:30 निकलती हैं। तो इस ड्राइवर ने जैसा बताया जा रहा है कि शराब पी हुई थी, तो इसने कितने बजे पी, और पीने के बाद ही 50 जिंदगियां एक बस में बैठी हुई थी, 50 घरों के बच्चे थे इनके पास। तो ऐसे बंदे के हवाले हमने जिंदगियां कर दी, 7 बच्चे या 6 बच्चे कैजुअलिटी भी हो गई है। मैडम सारी बात मैडम बाजी, सवाल तो बस छुट्टी के दिन भी स्कूल खुला, कार्रवाई क्या होगी? पूरे हरियाणा में खुले हुए हैं स्कूल, रेवाड़ी में भी खुले हुए हैं, सारे में खुले हुए। आप बयान देते हैं कार्रवाई हो जाती है, लेकिन शासन प्रशासन सुनता नहीं है। शिक्षा विभाग के क्या इसमें शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ही मिलीभगत रहती है, डरे हुए हैं निजी स्कूल संचालकों से? नहीं, निजी संचालकों से डरने की क्या बात है? शिक्षा तो जो शिक्षालय है, विद्यालय है, रास्ता दे दे, रास्ता दे दे, रास्ता दे, जो हमारे विद्यालय है हम तो उसे माँ सरस्वती का मंदिर मानते हैं। एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ संस्कार, मर्यादा, कानून, नियम पढ़ाने का काम किया जाता है। रेड लाइट, ऑरेंज लाइट, ग्रीन लाइट हम बच्चे को सेकंड क्लास में समझाते हैं, तो जो स्कूल चला रहे हैं उनको भी तो ये समझने की जरूरत है। मैम कार्रवाई क्या होगी? आप मुख्य कार्रवाई बाकी कार्रवाई वही होगी जो इस नॉर्म्स के अंडर आती है। तो सारे स्कूल खुले हैं, आप यहाँ से अजोर कराएं पूरे प्रदेश को कि आज कार्रवाई क्या होगी? मैं पूरे प्रदेश को ये बताना चाहती हूँ कि आज स्कूल नहीं खुलना चाहिए था, इनको नोटिस, शो कॉज नोटिस जारी हो चुका है। और इसके अलावा प्राइवेट स्कूल्स हमारे जितने हैं, ये सेल्फ एफिडेविट अब इनसे हम लेंगे कि एक तो ये खुद ही सुनिश्चित करके हमें एफिडेविट दें कि हम ऐसा काम, हम अकाउंटेबल होंगे, हम नहीं करेंगे, ताकि कानूनी कार्रवाई से कोई व्यक्ति बचे ना। दूसरी बात कि जो इनकी ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल्स हैं उनका भी एफिडेविट यही देंगे कि हमारी गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट रूल्स और नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली हैं। तीसरी चीज, जो इनकी गाड़ियों को चला रहे हैं वो शराब की अवस्था में पाए गए तो जिम्मेवारी पूरी तरह इनकी होगी। और अभी भी आप देखेंगे कि जहाँ ये FIR उस ड्राइवर के खिलाफ दर्ज होगी, वहीं साथ में प्रिंसिपल और ओनर तीनों के खिलाफ जाएगी। सरकार दबाव में क्यों रहती है? जैसे अभी भी आप कह रहे कार्रवाई, सारा प्रदेश में स्कूल खुले रहते हैं, अमूमन पहला केस नहीं है। जब भी कोई इस तरह की छुट्टियां होती है तमाम खुले रहते हैं, संज्ञान में सरकार के रहते हैं। गर्मी की छुट्टी, सर्दी की छुट्टी, कारण क्या लगता है? हर जगह आपके जिला शिक्षा अधिकारी है हर जिले के अंदर, फिर भी कार्रवाई? मैं अभी हर जगह जिला शिक्षा अधिकारी है। आप एक चीज देखिए ना, जैसे संज्ञान में आया मैं तुरंत भाग करके यहाँ पहुंच गई। मेरे आने से मैं उन 6 या 7 बच्चों को वापस नहीं लौटा सकती, आप भी नहीं लौटा सकते, कोई नहीं। एक तकलीफ, एक दर्द है, लेकिन हर हादसा हमें एक सबक दे करके जाता है। और मैं चाहती हूँ कि खास तौर से प्राइवेट स्कूल्स, ये सब जो हैं, सरकारी स्कूल तो मान्यता इसकी माने ही माने, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो अपने आप को सुनिश्चित करें कि हम माँ सरस्वती के मंदिर में, ये रोजगार नहीं है, ये व्यापार नहीं है,
यहाँ से ही भारत का नया भारत जो आदरणीय कोई भी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बना रहे, जिसकी आज ऊंचाइयां विश्व में इतनी ऊंची जा रही हैं, तो उसमें हम सबका भी सरोकार है, हम सबका भी योगदान होना चाहिए, ना कि हम खुद मर्यादा तोड़ते हुए दिखाई देते हैं तो हम बच्चों को या किसी और को क्या ठोके। मैडम आप फरीदाबाद से यहाँ पहुंची, यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी तक यहाँ नदारद है? नहीं, नदारद नहीं है। आपको मैं बताती हूँ, मैं लगातार अधिकारियों के संपर्क में हूँ। मैं फरीदाबाद से आ रही थी तो मुझे पहले रेवाड़ी पड़ता है जी। और वो कनीना में बैठे हुए रेवाड़ी के जिला शिक्षा अधिकारी की बात कर रहा था, उनको पता है किस तरह का हादसा होगा, यहाँ बच्चे एडमिट है। मेरी उनसे बात हो रही थी तो उनको मैंने कहा था आप कनीना देखें, मैं यहाँ पहुँचती हूँ तो मैं यहाँ से होकर के आगे जाऊंगी, और वो भी वापसी पर है, अभी आ ही रहे हैं यहाँ।